हरे कृष्णा। अध्याय एक, श्लोक नंबर 12 और 13। तस्य संजनयान हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनादोश्च शंखं दद्मो प्रतापवान। ततः शंखश्च भ्रेयश्च पानवानाक गोमुखः सहसैवाभ्याहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसका अर्थ, तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तात्पर्य, कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। प्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो ये था दोस्तों श्रीला प्रभुपाद द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज कि जब भी मैं भगवद गीता का श्लोक पढ़ती हूँ तो मन ही मन आप भी उच्चारण कीजिएगा उसको साथ में, या फिर अपने मुख से खुद बोलेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि भगवद गीता का श्लोक सुनने से, बोलने से और उसके मनन से बहुत बहुत फ़ायदा होता है। इसको दोस्तों आप बिल्कुल भी शारीरिक तौर पर या फिर भौतिक नज़रिए से या लौकिक नज़रिए से इस मटेरियल वर्ल्ड के तुलना में मत कीजिए, क्योंकि ये पाप पुण्य के परे हैं। ये ना ही पुण्य कर्म में आता है ना ही पाप कर्म में आता है, ये भगवत कार्य में आता है। इसके जो भी आप करते हो रिलेटेड, जो भी कृष्ण भगवान के रिलेशन में जो भी आप सेवा करते हो, ये सब दिव्य स्तर पे आता है। इसको पाप और पुण्य के स्तर पे तुलना मत कीजिए, ये हमको साक्षात भगवान से मिला देती है, तो इसकी जो स्थान है बहुत ऊंची है। तो ये कोई भी आप श्लोक, कोई भी, कभी भी, जब भी आप हताश हो, निराश हो, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो आप कभी भी मेरा ऑडियो खोल के सुन सकते हो या उच्चारण कर सकते हो मेरे साथ, तो आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा, बहुत बहुत सकारात्मक फील होगा, पॉजिटिवनेस आएगा। जैसे गांधी जी, महात्मा गांधी खुद बोलते थे कि जब वो ब्रिटिशर्स की दुविधाओं से, संकट से घिरे हुए रहते थे, तो वो हमेशा गीता माँ के इसमें गोता खाते थे और कोई भी पेज खोलकर वो पढ़ लेते थे और उसमें से उनको ज़रूर समाधान मिलता था। और ये सत्य बात है, ये बहुत सारे भक्तों ने भी देखा है दोस्तों, और मैंने खुद ने भी इसको अनुभव किया। तो आप भी ये देख सकते हो, जब भी आपको कोई परेशानी हो या किसी चीज़ की सॉल्यूशन नहीं मिल रही हो, तो आपके पास अगर भगवद गीता है तो आप खोल के उसको पढ़ भी सकते हो, या फिर मेरे रिकॉर्ड्स आप बार बार सुन के उसको उच्चारण भी कर सकते हो। और हाँ, मेरे भगवद गीता के रिकॉर्डिंग के दौरान अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। मैंने ये केवल और केवल हम सब की भलाई के लिए सोचकर ही बनाई है, ताकि हम सबको इसका फ़ायदा मिले, मुझे भी इसका फ़ायदा मिले। और आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ टीचर के जैसे, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी अपने आप को ये हमेशा याद दिलाती हूँ कि ये ज़रूरी है, ये करना है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने आज मैंने और एक वीडियो रिकॉर्ड बनाया है कल के जैसे, एक कथा के लिए। मैं कोशिश करूँगी रोज़ आपको
श्लोक के साथ एक कथा भी सुनाऊं, क्योंकि आपको उसकी क्लैरिटी मिले। और ये कथाएं प्लीज़ आप काल्पनिक मत समझना, ये हमारा इतिहास है, ये काल्पनिक नहीं है, ये सब सत्य घटना है, ये 5000 साल पहले घटी हुई है। यहाँ पे ही इसी धरती पे भगवान आए थे, प्रकट हुए थे, अवतार लिए थे, और ये सब लीला उन्होंने अपने भक्तों के साथ करी थी। तो आप बिल्कुल भी इसको ऐसे मत सोचिए कि काल्पनिक है, ये सब दिव्य लेवल पे है। ये जो भी लीलाएं मैं आपको बताऊंगी और भगवत गीता के श्लोक पढूंगी, ये सब दिव्य स्तर पे है। तो आप जो सुनोगे, पढ़ोगे और कभी भी उच्चारण करोगे, तो वो सब दिव्य स्तर पे होगा, भगवत स्तर पे होगा, इसमें कोई भी लौकिकता बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं दूसरे रिकॉर्ड में आपको वो कथा सुनाऊंगी जो गीता महात्म्य में आता है और पद्म पुराण में भी आता है, जो लॉर्ड शिवा अपनी वाइफ पार्वती को बताते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि पद्म पुराण में ये कथा आती है जहाँ पे लॉर्ड शिवा अपनी बीवी पार्वती को ये कथा बताते हैं। तो कथा इस तरह से है कि एक गांव था, उस गांव में सुशर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। मगर ब्राह्मण कुल में पैदा होके भी दोस्तों उसके कोई भी आचरण ब्राह्मण जैसे नहीं थे, और ना ही कोई वेद शास्त्र उसने पढ़े थे या फिर उसकी फैमिली ने पढ़ी थी। तो ये जो अपनी जीविका चलाता था वो बस ऐसे ही गुज़र बसर करके चलाता था, अनेक काम करके चलाता था, दारू शराब पीता था, नॉनवेज खाता था, हाँ मतलब सब तरह की उसने गलत एक्टिविटीज़ का सब कर डाली थी, कुकर्म कर डाले थे उसने, अंडा खाना, मांस मच्छी खाना, शराब पीना, ऐसे करके वो अपना दिन चला रहा था। और वो क्या करता था, वो पत्ते इकट्ठा करके उनको बाज़ार में जाके बेच के उस पैसे से अपना दिन चला रहा था। तो एक दिन क्या हो गया कि वो एक बाग में गया और वहाँ पर पत्ते तोड़ने का, पत्ते तोड़ते वक्त उसके पैर को एक सांप ने डस लिया। तो जैसे ही डस लिया वो मर गया, क्योंकि वो जहरीला सांप था। तो जब मरा तो वो कुकर्म उसने किए थे, तो निश्चित उसको नरक जाना पड़ा था। तो नरक गया तो वहाँ पे यमराज ने उसको बैल की योनि में डाल दिया, मतलब बुल के स्पीशीज़ में डाल दिया। तो जब बुल के स्पीशी में उसको डाल दिया तो वो बुल जो मतलब बैल है वो एक दुष्ट आदमी के घर में गया। तो उस दुष्ट आदमी ने उससे बहुत काम करवाया उसके छे, मतलब उसके जो भी कुकर्म थे पूरे उसके वहाँ पे पूरे हिसाब किताब लिखा जोखा शुरू हो गया। उसने बहुत उसको सताया, बहुत उससे काम करवा के ले, ऐसे कर करके वो जो बैल था वो बूढ़ा होने लगा। तो अब बूढ़ा होने लगा तो कोई भी शरीर बुढ़ापे में इतनी काम नहीं कर सकती। तो एक दिन उस दुष्ट आदमी ने क्या किया, उस बैल के पीठ पे बहुत बड़ा हैवी लोड डाल दिया, बोझ ढो दिया ताकि वो उसको लेके जा सके। बट वो जबकि बूढ़ा हो चुका था वो उतना नहीं झेल पाया वो लोड को, और वो वहीं पे दम तोड़ने लगा, तड़पने लगा। तो बीच रास्ते में ये सब हो रहा था तो दूसरे लोग सब इकट्ठा हो गए। ये बहुत पुरातन काल की कथा है दोस्तों, तो उस समय लोग कम से कम कंसर्न थे कि मतलब आदमी तो आदमी, कम से कम पशु को तो वो देखते थे, मतलब क्या हुआ। अभी तो पशु छोड़िए, इंसान भी कोई किसी को पूछने नहीं आता है कुछ होता है तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कलयुग में। मगर उस टाइम पे ऐसा था कि लोग इकट्ठा होते थे, देखते थे, अरे भाई क्या हो गया, क्या समस्या है। तो सब उस बैल की स्थिति पे अफसोस जताने लगे, और जबकि वो शरीर छोड़ा उसने तो सभी वहाँ पे जो खड़े थे, तो कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने संकल्प मात्र से सोचा कि मेरे पास जो पुण्य फल मैंने कभी अच्छे काम करके इकट्ठा की होगी तो मैं उसको इस बैल के
पूंजी में डाल देता हूँ। तो ये ऐसे उस टाइम पे होता था दोस्तों कि लोग ऐसे करते थे कि उनका कुछ पुण्य फल होता है या था, उनको ऐसे लगा, तो फिर वो जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसको दे देते थे, क्योंकि उसकी अच्छी गति हो करके, कम से कम उसको नरक का मुंह नहीं देखना पड़े। तो ऐसा हुआ कि ये एक व्यक्ति दो व्यक्ति को देख के तीन चार सब करने को शुरू किए। ऐसे करते करते वहाँ पे एक वैश्या खड़ी थी। उस वैश्या ने सोचा, अब मैं तो इतनी पापिष्ट हूँ, मैं क्या इसको पुण्य फल प्रदान करूँ। तो भी उसने कुछ संकल्प किया मन ही मन, और उसने वो प्रदान कर दिया उस बैल को। अब हुआ क्या दोस्तों, बैल ने शरीर त्याग किया, उस जीव ने शरीर त्याग किया बैल का, और वो वापस यमलोक चला गया दूसरी योनि के अंदर प्रवेश करने के लिए और उनका जजमेंट सुनने के लिए। तो यमराज ने कहा, तुम्हारी तो पाप कर्म सब नष्ट हो गई है, अभी तुम्हारा तो कोई पाप रह नहीं गया है, तुमको तो उस वैश्या ने ऐसा एक ये दे दिया है पुण्य, अपना पुण्य फल दे दिया है कि जिससे तुम्हारी सारी पाप नष्ट हो गई है, अब तुमको नरक का द्वार देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तुम एक उच्च कुल के ब्राह्मण के जीविका जी सकते हो, उस कुल में तुम पैदा हो गए, तुमको एक चांस दिया जाएगा भगवत भक्ति करने के लिए और वापस वैकुंठ जाने के लिए। तो उस जीवात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये हुआ तो फिर उसने यमराज से ये अनुमति ले ली कि आप मेरे पे एक कृपा और कर दीजिए यमराज जी, कि मुझे ये स्मृति रहे कि वो जो वैश्या ने मुझे ये पुण्य उसका दिया है, मैं उसको खोजूं, कौन है वो जिसने मुझे ये पुण्य दिया है। तो यमराज जी ने थतास्तु बोल दिया और ये जीव जो था वो वापस धरती पे आ गया और एक उच्च कुल के ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ। तो जैसे ही वो यौवन अवस्था में आ गया, वो उस वैश्या को ढूंढना उसने शुरू किया। जब ढूंढा तो उन्हें उस बहुत टाइम के बाद उसको वैश्या मिल गई। जब वैश्या मिली तो वो उसने उसको पूछा कि ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसे ऐसे मैं बैल था और मेरी मौत हुई थी और सब मुझे अपना अपना पुण्य फल दे रहे थे, तो आपने भी तभी मुझे कुछ प्रदान कर दिया था अपने पुण्य फल, तो आपने ऐसा क्या मुझे संकल्प मात्र से मुझे दे दिया कि जिसके वजह से मुझे इंसान का शरीर मिला और वो भी उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में। तो वैश्या ने कहा कि मुझे भी नहीं पता, मगर मेरे घर में एक ये है, पोपट है, पैरट होता है ना, वो पैरट बर्ड है, पोपट है, तो वो रोज़ एक मंत्र जाप करता है, बोलता है कुछ लोग, तो वो रोज़ मैं सुनती थी उसको, रोज़ सुन सुन के मुझे इतना वो अच्छा लगने लगा और मुझे ऐसे लगा कि मैं पवित्र होते जा रही हूँ, और धीरे धीरे फिर मैंने अपना वैश्य जो धंधा था वो भी मैंने करना बंद कर दिया, उससे मेरी हृदय परिवर्तित होने लगी। तो मुझे भी नहीं पता वो पोपट क्या रटता है, क्या बोलता है, तो हम चलो उसी से पूछ लेते हैं। तो वो दोनों जाते हैं उस पोपट से पूछते हैं, तो पोपट जो कि बोलने वाला पोपट था, साधारण पोपट नहीं था, तो उसको जब उसने पूछा कि वैश्या ने कि ये आप क्या बोलते हो रोज़, तो उसने कहा कि वो एक काल में एक ऋषि के आश्रम में रहता था वहाँ पे, तो वहाँ पे रहते वक्त वहाँ पे जो ऋषि था वो अपने शिष्यों को भगवद गीता का पहला अध्याय के श्लोक पाठ करवाता था रोज़। तो जब वो अपने शिष्यों को पाठ करवा रहा था तो ये पोपट भी उनके साथ सीख रहा था, और सीख सीख के उसको वो बायहार्ट हो गया तो रोज़ उसको वो अच्छी लगने लगी और वो भी उसके रोज़ उसको रटने लगा और याद करने लगा। तो इस दौरान क्या हुआ कि आश्रम में डकैत पड़ गई और डाकू लोग पोपट को चोरी करके लेके गए, लेके जाके उन्होंने इस वैश्या को बेच दिया। तो जब वैश्या के पास आया तो वैश्या के पास ये रोज़ ऐसे ही रटा करता था मंत्र श्लोक जो भगवद गीता के हैं, और उस वजह से वैश्या भी शुद्ध होते गई और वो भी जाप करने लगी उस श्लोकों का। तो फिर उन तीनों को पता चला कि ये और कोई नहीं, ये भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक हैं।
तो सबको इसकी महत्व पता चल गई, क्योंकि सुशर्मा जो कि बहुत ही विकिड पर्सन था उसके पहले लाइफ में, ब्राह्मण होके भी उसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया और बैल की योनि उसको मिली, और फिर उसी भगवद गीता के श्लोक के वजह से उसको दूसरा चांस दिया गया ह्यूमन फॉर्म लेने के लिए और भगवत धाम वापस जाने के लिए। तो तुरंत तीनों के तीनों, पोपट, वैश्य और सुशर्मा जो कि अभी उच्च कुल के ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था, तीनों के तीनों तुरंत गए और भगवत गीता पाठ करना उन्होंने शुरू किया। और रोज़ वो पाठ करते थे पहला अध्याय को लेके, और उनकी इतनी दृढ़ निश्चय हो गई उसमें कि भगवत गीता ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और रोज़ पाठ करके अंत में उन लोगों ने शरीर जब त्याग किया तो उनको खुद विष्णु दूत लेने आए और वो तीनों के तीनों वैकुंठ चले गए। तो इस कथा में, पद्म पुराण में लास्ट में बताया है इस कथा में दोस्तों, कि जो कोई भगवत गीता रोज़ पढ़ता है, सुनता है, या उसके बारे में डिस्कस भी करता है, या मन ही मन उसके बारे में विचार करता है, कोई भी कुछ भी भगवान के बारे में ये उसी रिलेशन में कुछ भी दिव्य स्तर पे करता है, या वो हरि का नाम उच्चारण करना हो, या उनकी लीला याद करना हो, कृष्ण का कोई स्वरूप याद करना हो, राम जी का, कृष्ण जी का, कोई भी चीज़ जो हम लोगों को लगता है कि ये कृष्ण के संबंध में है, तो वो हमें मुक्ति दिलाती है इस दुखमय भव सागर से। हाँ दोस्तों, इस दुखमय भव सागर से जहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं। तो ये जो भगवद गीता है, ये भगवान ने स्वयं हमको गिफ्ट दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, जो हम इसको पाकर पूर्णता से, संपूर्णता से शुद्ध होके, पवित्र होके अपने घर वापस जा सकते हैं। तो ये कथा दोस्तों याद रखिएगा, 18 पुराणों में से एक पुराण आती है पद्म पुराण, उस पुराण में इस कथा को व्याख्यान किया है किसने, शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती माँ को ये स्टोरी कहा है। तो आप इसका इम्पोर्टेंस जान गए हो, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए और रोज़ आनंद से सुना कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय।